Hello students, good morning to all. This is Bhanupriya and I am going to teach you your social studies. And social studies ka chapter number 1, resources of India. Okay, resources means kya hota hai? Resources means hote hai sadhan. Resources means matlab sadhan. Sadhan means that things which can help us in our living standard. Okay. हमारे लाइफ में हमें जो हेल्प करती है इजी लिविंग स्टैंडर्ड के लिए उन साधन को वही साधन ही रिसोर्सेज होते हैं. ओके, अब हमारे रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, या तो वो मैन मेड रिसोर्सेज होंगे या तो फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एंड नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसे सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में, है ना. नेचुरल रिसोर्सेज में क्यों? क्योंकि ये हमें गॉड से एज अ गिफ्ट मिले हैं. ओके, हमें ये नेचर से मिले हैं. ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज की मीनिंग से. रिसोर्सेज आर दोज एस्पेक्ट्स विच फैसिलिटेट द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वॉन्ट्स. ठीक है, क्या और हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. रिसोर्सेज वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि ह्यूमन को ईजी हमारी ह्यूमन लाइफ को ईजी कर देते हैं और हमें हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. इन अदर वर्ड्स, एनी थिंग विच फुलफिल ह्यूमन वॉन्ट्स और मोर और लेस, इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम आर कॉल्ड रिसोर्सेज. और हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे सारी चीज़ें जो कि ह्यूमन की वॉन्ट्स को फुलफिल करती हैं, वो चाहे ज़्यादा या कम, लेकिन हेल्प सबकी करती हैं ह्यूमन की, उन ही चीज़ों को हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेस कहते हैं. फॉर एग्जांपल, वाटर इज़ अ रिसोर्स एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग पर्पज एंड कुकिंग. ओके, जैसे हम एग्जांपल ले लें वाटर का. ठीक है, वाटर हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है. ओके, लेकिन वाटर हमारी ह्यूमन की लाइफ में कितनी ज़्यादा हेल्प करता है एंड हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी हमारी हेल्प करता है. कैसे? क्योंकि वाटर इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमें ड्रिंकिंग में, इरिगेशन की प्रोसेस में, होम क्लीनिंग में एंड कुकिंग में, इन सारे पर्पज़ में हमें वाटर की नीड होती है. इन द सेम वे, ऑल दोज थिंग्स विच फुलफिल ह्यूमन नीड्स और वॉन्ट्स आर नोन एज रिसोर्सेज. उसी तरह लाइक अ वाटर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नेचर से मिली होती हैं और वो हमारे लाइफ में हमें हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. उन सारी चीज़ों को हम रिसोर्स बोलते हैं. ओके, अब रिसोर्सेज आर ह्यूमन लाइफ, रिसोर्सेज मेक ह्यूमन लाइफ सिंपल एंड हैप्पी. ओके, ये समझ अंडरस्टूड है ना कि रिसोर्सेज से ही हमारी लाइफ आज इतनी सिंपलर एंड खुश हो पाई है. ठीक है, प्रिमिटिव मैन वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. प्रिमिटिव मीन्स क्या होता है? प्राचीन. ठीक है, प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, मतलब पुराने, पहले के लोग पूरा का पूरा नेचर पे अपने चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होते थे. ग्रेजुअली अ मैन यूटिलाइज एलिमेंट्स ऑफ नेचर विथ हिज इंटेलिजेंट फुलफिल देयर नीड्स. इवन वो अपनी सारी नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का ही यूज़ करते थे. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हम लोगों को, फॉर एग्जांपल, आज अगर हमें थोड़ा सा भी फीवर होता है या कुछ भी होता है तो हम जाके डायरेक्ट मेडिकल की शॉप से अपने लिए एक मेडिसिन परचेज करते हैं, यूटिलाइज कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं. बट पहले के जो लोग थे वो हमेशा हर चीज़ के लिए नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड होते थे. फॉर एग्जांपल, पहले के लोग अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए नेचुरल ऑर्गेनिक दवाइयाँ लेते थे और औषधियाँ वगैरह से अपने आप को ठीक करते थे, है ना. टूडेज दोज कंट्री विच हैव मोर रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड एंड डेवलप्ड एंड प्रॉस्पेरस. टूडे दोज कंट्रीज विच हैव मोर रिसोर्सेज, आज के डेट में जिस कंट्री के पास अपने रिसोर्सेज हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसी कंट्री को डेवलप्ड और प्रॉस्पेरस कहा जाता है. प्रॉस्पेरस मीन्स क्या होता है? प्रॉस्पेरस मीन्स अचीव्ड,
अचीवमेंट, सक्सेस। तो आज जिस कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसी कंट्री को डेवलप्ड और सक्सेसफुल कंट्री कहा जाता है। रिसोर्सेज हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ एज देयर एबिलिटी इंडिकेट्स डेवलपमेंट, है ना। मैंने कहा क्या बताया आप लोगों को कि आज जिस कंट्री के पास अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, वही कंट्री आज डेवलप्ड और सक्सेसफुल है। तो लाइक दैट रिसोर्सेज की जो इम्पोर्टेंस है वो हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत हेल्प करती है। ओके, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट माई एनी एलिमेंट ऑफ नेचर इज़ अ रिसोर्स व्हेन इट हेल्प टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स। हमें ये भी अंडरस्टैंड होना चाहिए लाइक कि हमारे नेचर के जितने भी एलिमेंट्स हैं हम उन्हें एज अ रिसोर्स ट्रीट करें, बिकॉज वो हमारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से नीड्स को फुलफिल करते हैं। मैन कैन कन्वर्ट एनी सब्सटेंस और मटेरियल इनटू रिसोर्स। मैन किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी मटेरियल को एक रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। To fulfill his needs, man can make the natural elements useful and valuable by his intelligence. मैन चाहे तो अपनी needs को और अपने demands को fulfill करने के लिए सारे natural elements की help से और अपने intelligence से उस natural resource को valuable बना सकता है। Okay, with this process, the natural element become resource और इससे हमारे natural elements रिसोर्स के बन जाएंगे। इन शॉर्ट वी कैन से दैट नेचुरल एलिमेंट्स कैन बिकम रिसोर्स व्हेन मैन मॉडिफाई देम टू बी मोर यूजफुल एंड वैल्यूएबल टू फुलफिल हिज नीड विद द हेल्प ऑफ इंटेलिजेंट स्किल एंड टेक्निक नॉलेज। तो हम क्या कह सकते हैं कि आज अगर मैन चाहे तो अपनी नीड्स और अपने डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू किसी भी नेचुरल एलिमेंट को रिसोर्स में मॉडिफाई कर सकता है। ओके, usually resources are natural. Okay, according to PE natural, resources are those, ठीक है, आज usually जो जितने भी resources होते हैं वो सारे natural रहते हैं। Okay, and natural resources are those resources which are provided by nature and are useful to man. मैंने आप लोगों को starting में ही बता दिया कि सारे रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर से गिफ्ट में मिलते हैं, जो हमारे गॉड गिफ्टेड होते हैं। इन दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ मटेरियल टू रिसोर्स क्रिएशन मैन रोल इज सुप्रीम। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि अगर हमें किसी भी नेचुरल रिसोर्स को किसी भी नेचुरल एलिमेंट को रिसोर्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैन ही मैन की इंटेलिजेंट, उसकी टेक्निक्स, उसकी स्किल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैन ही मेन रोल प्ले करता है किसी भी एलिमेंट को रिसोर्स बनाने के लिए। ओके, और नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं? लैंड, सोइल, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, पावर, एयर, ये सारे हमारे किस में आते हैं? ये सारे हमारे आते हैं नेचुरल रिसोर्स में। ओके, टर्न द पेज। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, अब रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। और कौन कौन से बेस पे क्लासिफाई किया गया है? ओनरशिप, अवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस। ओके, किस किस सोर्स रिसोर्सेज को कहाँ कैसे कैसे क्लासिफाइड किया गया है, कौन कौन से पार्ट्स में? ऑन द बेसिस ऑफ ownership, on the basis of availability, on the basis of distribution and on the basis of their uses. So the first one is classification on the basis of ownership. ठीक है, ownership means, ownership यानी जिस चीज़ पे हमारा हक होता है, जिस चीज़ पे हमारा right होता है। ओके, जिसके हम खुद ओनर होते हैं वो हमारा ओनरशिप कहलाता है। तो जैसे पर्सनल रिसोर्स, पर्सनल रिसोर्स मतलब प्रॉपर्टी, हेल्थ एक्सेट्रा, है ना। पर्सनल रिसोर्स क्या होगा? जैसे जो चीज़ हमारी है पर्सनली, हम उसे यूज़ करते हैं, वो हमारे लिए है, ठीक है, जिसके ओनर हम हैं उसे बोलते हैं पर्सनल रिसोर्स। नेचुरल, नेशनल रिसोर्स, वेल्थ ऑफ नेशन, मिलिट्री पावर, पैट्रियोटिज्म।
आप नेशनल रिसोर्स क्यों क्या कहलाएंगे, पर्सनल रिसोर्स जैसे हमारे वैसे ही नेशनल रिसोर्स जो नेशन के हैं, पूरा नेशन उस रिसोर्स को यूज़ कर सकता है, जैसे वेल्थ ऑफ नेशन, मनी, मिलिट्री पावर, पावर्स जो भी मिलिट्री की हमारी पास पावर्स होती हैं, या फिर जो भी रिसोर्स जैसे एयर वाटर, ये सारे लोग के लिए होती है, वो होते हैं नेशनल रिसोर्स। एंड पैट्रियोटिज्म, पैट्रियोटिज्म का मतलब पता है क्या होता है, पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, है ना, देशभक्ति या देशभक्ति, ये सबके लिए होती है, ये रिसोर्स सबके लिए है। और नेशनल के लेवल पे है, लेकिन हमारे देश के, हमारी कंट्री के लोगों के लिए। एंड वर्ल्ड रिसोर्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, ठीक है, ऐसे सारे फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए वेलफेयर का काम करते हैं, वो सारे एलिमेंट्स हमारे वर्ल्ड रिसोर्स कहलाते हैं, ओके। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी मीन्स जिन जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, जो अभी हैं हमारे पास प्रेजेंट में, दैट आर रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। दो रिसोर्सेज आते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, दोज रिसोर्सेज जो कि हम रीजनरेट कर सकते हैं नेचुरली, ठीक है, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर जो रिसोर्सेज रीजनरेट होते हैं, लाइक सन। सन इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि आज अगर सन है, शाम तक वो जाएगा और नेक्स्ट डे वो वापस से आएगा। सन, मून, सनलाइट, ये सारे कैसे रिसोर्स हैं जो डे वाइज रिन्यू होते हैं, वो वापस आते हैं, ओके। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं दोस रिसोर्सेज व्हेन वंस यूज्ड दे आर फिनिश्ड। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जो रिन्यू नहीं हो पाते, अगर एक बार वो ख़त्म हुए तो दोबारा वो रिन्यू नहीं किए जा सकते, जैसे कि पेट्रोल और कोल, पेट्रोलियम, कोल, डीजल, ये सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो हम इन्हें रिन्यू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज। रिसाइक्लेबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं दोज मटेरियल, जिन चीज़ों को हम मटेरियल्स मिनरल्स एंड दोज मटेरियल्स एंड मिनरल्स, जिन मिनरल्स और मटेरियल्स को हम वापस से एक बार यूज़ करके रीयूज़ कर सकते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिसाइक्लेबल, है ना। जैसे मिनरल्स ऑफ आयरन एंड कॉपर, कॉपर और आयरन के जो मिनरल्स लास्ट में बच जाते हैं उनको हम वापस से रीयूज़ कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज रिसाइक्लेबल रिसोर्स। उसके बाद आता है इनएक्सॉर्टेबल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज विच आर नॉट एक्सॉर्टेड इवन इफ दे आर यूज्ड। जैसे इनऑक्सिस्टेड मतलब ऐसे रिसोर्स जिनका हम कितना भी यूज़ कर लें उनको उनकी कमी नहीं होनी है, या फिर उनकी स्कैरसिटी नहीं होनी, वो कमज़ोर नहीं हो सकते। एक्सॉस्टेड मीन्स कमज़ोर, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी कमी नहीं हो सकती या फिर जो कमज़ोर नहीं हो सकते उन्हें हम बोलते हैं इनएक्सॉर्टेबल रिसोर्सेज। जैसे वाटर, एयर, सनलाइट, है ना, सोलर एनर्जी, ये सारे ऐसे रिसोर्स हैं जो कि एग्जॉर्ट नहीं हो सकते, ओके। तो क्लासिफिकेशन ऑन द ओनरशिप हो गया, क्लासिफिकेशन ऑन द अवेलेबिलिटी हो गया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन भी पता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ईजिली अवेलेबल रिसोर्स, ओके, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एवरीवेयर। ईजिली अवेलेबल रिसोर्स कौन से कहलाते हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो हर जगह हैं, है ना, जैसे ऑक्सीजन इन द एयर, ऑक्सीजन हमें एयर में कहीं भी मिलेगी, कहीं भी आप चले जाओ वर्ल्ड में, अर्थ में कहीं भी जाओ आपको ऑक्सीजन मिलनी है, है ना। कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज, है ना, तो कॉमन अवेलेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट मैनी प्लेसेस बट नॉट एट एवरी प्लेस, ओके। एवरीवेयर जो मिलते हैं वो होते हैं ईजिली अवेलेबल, कॉमन अवेलेबल वो होते हैं जो हमें बहुत सारी जगहों पे मिलेंगे बट नॉट नेसेसरी कि सब जगह मिलेंगे, ओके।
नेक्स्ट होता है रेयरली अवेलेबल रिसोर्स. रेयरली अवेलेबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो रेयर ही कहीं कहीं प्लेसेस पे हमें अवेलेबल हो पाए हो ना, ऐसा नहीं है कि हर जगह वो मुझे मिले, राइट. फिर है सिंगल रिसोर्स. सिंगल रिसोर्सेज आर द विच आर अवेलेबल एट वन और टू प्लेस इन द वर्ल्ड, है ना. और सिंगल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में हमें एक या दो जगहों पे ही अवेलेबल पाते हैं और कहीं भी नहीं हो पाते हैं. लाइक एग्जांपल कमर्शियल साइक्लॉइड मेटल विच इज़ फाउंड ओनली इन ग्रीनलैंड इन द नेचुरल फॉर्म. कमर्शियल क्राइलॉइड मेटल हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीनलैंड में मिलेगा और कहीं भी नहीं मिल सकता. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस. आना अब हमारा क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, यूज पे. उस पे है आता है अनयूज्ड रिसोर्स, ठीक है. अब अनयूज्ड रिसोर्स क्या कहलाता है, व्हेन रिसोर्सेज आर नॉट इन यूज दे आर कॉल्ड अनयूज्ड रिसोर्सेज. ओके, ऐसे रिसोर्सेज जिनका कोई यूज नहीं है बट वो है बट हम उनका यूज नहीं करते, वो कहलाते हैं अनयूज्ड. एंड अनयूजेबल, अनयूजेबल मतलब अनयूजेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज फर्दर इवन विद द प्रेजेंट डे टेक्निक आर अनयूजेबल रिसोर्सेज, है ना. ऐसे रिसोर्सेज जो कि सारी टेक्निक होने के बाद भी अभी तक यूज नहीं किए गए हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं अनयूजेबल रिसोर्सेज. ओके, नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज. दी आर रिसोर्सेज which are known but are not in use due to the lack of technology and planning. Okay, potential resource क्या होते हैं, potential resource ऐसे resource होते हैं जो कि हैं और हम उन्हें जानते भी हैं, ठीक है, लेकिन हमें उसका use करना अभी तक नहीं आया because of lack of potential and lack of technology. हमने अभी तक उन resources का use नहीं किया. That are comes under potential resources. उसके बाद लेटेंट रिसोर्स क्या कहलाता है, लेटेंट रिसोर्स वो रिसोर्सेज कहलाते हैं जो रिसोर्सेज अभी छिपे हुए हैं, जिनकी खोज अभी नहीं हुई है या जिनके बारे में अभी हमें नहीं पता है, दैट कम्स अंडर द लेटेंट रिसोर्स. देयर आर मैनी रिसोर्सेज विच हैव बीन अननोन टू मैन. इफ द प्रॉपर्टीज एंड यूटिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज इज नॉट नोन इट इज कॉल्ड द लेटेंट रिसोर्स. मतलब ऐसे रिसोर्स जिनके बारे में अभी तक मैन को नहीं पता और जिनकी प्रॉपर्टीज और यूटिलिटीज के बारे में अभी तक हमें नहीं रियलाइज हुआ है वो होते हैं लेटेंट रिसोर्स. पेट्रोलियम वॉज अ लेटेंट रिसोर्स अंटिल इट्स प्रॉपर्टी एंड यूजेज वर नॉट टू मैन. जब तक पेट्रोलियम लेटेंट तब तक था जब तक पेट्रोलियम के बारे में हम की प्रॉपर्टीज़ और पेट्रोलियम के बारे में हम ह्यूमंस को नहीं पता था तब तक वो कौन सा रिसोर्स कहलाता था, लेटेंट रिसोर्स. ओके, तो यहाँ पे आके हमारा टॉपिक ख़त्म होता है व्हाट मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसका नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.